हो मुझे नींद ना आए, हो मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम बात करने वाले हैं इस स्टार के बारे में, यानी कि सितारे के बारे में। ज्योमेट्री में आपको सवाल पूछा जाता है, अच्छा इससे सवाल ना आपको मेंसुरेशन में पूछा जाएगा, तो अभी हम आपको बताने वाले हैं मेंसुरेशन में इसमें क्या पूछने वाला है। तो मेंसुरेशन में आप जानते हैं कि क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ जान लीजिए कि ये जो सवाल है ना, इसको बनाना बड़ा सेकेंडों का काम है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा और जैसे ही पूछा जाएगा ऐसा आकृति देकर इसकी एरिया पूछ देगा, तो सीधा सीधा डायरेक्ट आप सवाल बना लीजिएगा। कैसे बना लीजिएगा, बने रहिएगा वीडियो में, ठीक ना। भागिएगा नहीं भाई, गणित तो हम सिखा देते हैं, किसी को सिखा देते हैं, जगह तन को बूझे नहीं आते उसको सिखा देते, खाली आप भागिएगा नहीं। कहता है कि नीचे दिए गए चित्र में छह बिंदु वाले सितारे के बिंदु छह समरूप समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं, जिसमें प्रत्येक की भुजा 4 सेंटीमीटर है, केंद्र सहित संपूर्ण सितारे द्वारा छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। ये आपसे कह रहा है कि इसमें जितने भी त्रिभुज बने हैं ना दोस्तों, छ को तो आपको बुझा रहा है, 1 2 3 4 5 आई छ को बुझा रहा है। सवाल कहता है और प्रत्येक की भुजा ना, छह को त्रिभुज बुझा रहा है, ये समबाहु त्रिभुज कहा गया। समबाहु का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, और 4 सेंटीमीटर मतलब इस त्रिभुज की भुजा अगर ये 4 है तो ये भी 4 है और इधर वाली भी 4 ही है, ये वाली है ना, ऐसे बोला गया है। तब सवाल कहता है कि इस पूरे स्टार का जितने छायांकित भाग है, जितना आप देख रहे हैं ना, इस पूरे का एरिया क्या होगा। दोस्तों जब भी स्टार बनता है ना, तो एक बात याद रख लेना, इस समबाहु त्रिभुज तो साइड साइड से 6 को दिख रहा है आपको, और 6 को के बराबर ये अंदर होता है, यानी टोटल 12 को त्रिभुज होता है, और 12 त्रिभुज आपस में बराबर ही होता है। देख लीजिए, मान लीजिए कि हम यहां से इसको यहां मिला लिए, और यहां से यहां इसको मिला दिए, फिर यहां से यहां इसको मिला दिए, अब जो आपको त्रिभुज दिख रहा है ना, ये 12 को त्रिभुज हो गया दोस्तों, 12 को त्रिभुज, 1 2 3 4 5 6, 6 को बाहर से, उसके बाद 7 8 मतलब यहां से है, समझ रहे हैं ना, हाँ ऐसे है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो 7 के बाद 8 मान लीजिए, इधर चलते हैं 9, ये 10, ये 11 और ये वाला 12, ये 12 को हो गया दोस्तों समबाहु त्रिभुज। हाँ पता है आपको, एक समबाहु त्रिभुज का एरिया त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है भैया, समबाहु त्रिभुज का √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, एक त्रिभुज का है ये √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा यहां दिया है 4, 4 के स्क्वायर रख दीजिए कितना, 16, एक भुजा दिया हुआ है 4, अच्छा एक त्रिभुज का होता है, इसमें 12 त्रिभुज है, तो 12 से गुना कर दिए, 12 त्रिभुज का एरिया हो गया, मतलब इस पूरे का एरिया निकल गया जितने छायांकित भाग थे। 4 से 12 को 3 बार में काट दीजिए, 16 3 48√3 हो गया, 48√3 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में इसकी भुजाएं दी हैं, तो वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, बड़ा आसान था ना, बिल्कुल आसान था, 12√3 सेंटीमीटर, 16 3 48 48√3 वर्ग सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगला सवाल पर, भागिएगा ना, देखिए अब सीखिए, अब सवाल ऐसे भी पूछ लेता है एग्जाम में, सुनिए, ऐसे पूछेगा, ऐसे कहेगा कि छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ समबाहु त्रिभुज है। दोस्तों जब भी स्टार होगा ना, स्टार वाला में ना सब त्रिभुज आपस में बराबर होता है, छायांकित भाग का एरिया पूछा है। आपको एक बात पता है, ये पूरा स्टार रहता है, इसे जब मिलाए थे अभी 12 को त्रिभुज होता है, लेकिन 12 को के नहीं पूछा आपसे, 1 2 3 4 5 6 को का पूछा है। एक त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा यहां 4 है, एक त्रिभुज का होता है, 6 त्रिभुज का है तो 6 से गुना,
चार से चार के स्क्वायर को काटिएगा चार बार में, क्योंकि 16 है, 16 को चार से चार बार में। अरे 6 चक के 24 रूट 3 हो गया वर्ग सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, 24 रूट 3 वर्ग इकाई आपका आंसर हो गया, है ना, बिल्कुल आसान, इतना आसान है। देखिए आइए अगला, यहां समझिए, ऐसी आकृति आपको देकर पूछ लेगा कि सवाल पूछ लेगा कि बताइए, जरा बताइए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आपको पता है ना दोस्तों टोटल 12 त्रिभुज के बराबर होता है हमारा, तो 6 गो तो बाहर है, 6 गो का छोड़ दिया, यानी 6 गो का फिर पूछा है, इसका भी तो वही आंसर ना हो जाएगा, नहीं। अब बताइए 1 2 3 4 5 6, 6 गो त्रिभुज तो हट गया, टोटल 12 त्रिभुज होता था, कैसे 12 होता था, आप इसको यहाँ मिलाइए, इसको यहाँ मिलाइए, इसको यहाँ मिलाइए, अब 6 गो अंदर बन गया, और भुजा तो सबकी चार चार है, समबाहु त्रिभुज होता है इसमें, ये 12 समबाहु त्रिभुज होता है, अब 12 समबाहु त्रिभुज आपस में बराबर होता है, 6 गो का पूछा है, एक का होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गो का पूछा है तो 6 से गुना, ये 6 गुना, ये देखिए चार से काटिए 16 को चार बार में, 6 चके 24 √3 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया, नहीं क्लियर है। आइए अब कुछ नया करते हैं, अब कुछ नया करते हैं, सवाल आपके सामने है, करिए नया सवाल आपके सामने है, कहता है ये चौथा सवाल हो जाएगा, सुनिए, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 24√3 सेंटीमीटर है, इसके अंदर दो अन्य समबाहु त्रिभुज इस प्रकार बनाई जाती हैं कि अंतः भाग 3 बराबर क्षेत्र में विभाजित हो जाता है, सबसे छोटे समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा क्या है। अच्छा, कभी कभी आपको ना आकृति बना के दे देगा और कभी नहीं देगा, देखिए क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है दोस्तों, एक बड़ा सा मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज, अब इस समबाहु त्रिभुज के अंदर दो छोटे छोटे त्रिभुज हैं, और तब कहता है अन्य दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार बनाई जाती हैं कि अंतः भाग 3 बराबर क्षेत्र में विभाजित हो जाता है, मतलब अब मान लीजिए कि ऐसा एक और समबाहु त्रिभुज और इसके अंदर भी एक और समबाहु त्रिभुज, ठीक ना, और देखिए बाहर वाला समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना हुआ, तो यही वाला ये जो पूरा देख रहे हैं ना, ये वाला ऐसे 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 चलते, ये जो खाली जगह है जिसमें मान लीजिए नाला है, ये नाला में पानी पटाएंगे तो इधर माह जाएगा ना, तो ये वाला एरिया हो गया बड़का समबाहु त्रिभुज का, समझे कि नहीं। अब उसी तरह अगर आप बात करिएगा तो बीच वाला समबाहु त्रिभुज का एरिया ये वाला हो गया, है ना, ऐसे 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 मान लीजिए। अब देखिए तो सवाल ये कह दिया है, और ये छोटका जो बचा इसका इस समबाहु त्रिभुज का एरिया ये हो गया, इतना ही बस, तो कहता है कि सब ना आपस में क्या हो गया है, बराबर हो गया है, इसको हम दूसरा कलर करते तो अच्छा लगता है ना, इसको ब्लैक कर दिए, इसका इतना एरिया ठीक है, फिर ई वाला का इतना एरिया, ये ब्लू वाला का आप देख रहे हैं, ब्लू वाला का इतना, ई वाला पूरा एरिया, ये आपस में बराबर है, चाहे ई एरिया कहिए या इसका ई एरिया कहिए, आपस में बराबर है। तो सवाल कहता है 3 भाग में बराबर हो गया है, अब पूछता है तो सबसे छोटे समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होगी। दोस्तों एक बात बताओ, 3 भाग में हो गया है मतलब कि तीनों 1:1:1 हो गया है, नहीं 3 भाग में बराबर हो गया है, बराबर का मतलब है कि रेशियो 1:1:1 का तीनों का हो गया। अच्छा एक बात बताइए, पूरे बड़का समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा, तो बड़का समबाहु त्रिभुज का एरिया जो होगा ना भैया हो जाएगा √3/4 और गुना भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर का मतलब हुआ कि 24√3 और गुना 24√3 है ना, स्क्वायर करिए या इसको दो बार लिखिए, ये हो गया पूरे बड़का समबाहु त्रिभुज का एरिया हो गया। अच्छा छोटका समबाहु त्रिभुज, ये तो बड़का समबाहु त्रिभुज का एरिया हुआ, छोटका समबाहु त्रिभुज की भुजा पूछा है तो छोटका समबाहु त्रिभुज की भुजा ए मान लेते हैं, छोटका समबाहु त्रिभुज की भुजा को क्या मान लिया, ए मान लिया। अब सुनिए तो छोटका हो जाएगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, छोटका का एरिया, और कहता है अच्छा एक बात, ये छोटका का एरिया है और ई जो है तो बड़का का एरिया है, और बड़का के एरिया का 1/3 ना होगा छोटका का, छोटका का 1/3 हो जाएगा छोटका का, क्योंकि 3 पार्ट में बट गया। अच्छा पूरे मतलब
ये वाला भुजा लीजिएगा तो पूरे का एरिया निकला ना, उसका एक तिहाई हो गया छोटे वाले का, ठीक है। तो छोटे वाला का एरिया इतना, जबकि छोटे वाला का एरिया इतना कैसे हो गया, एक तिहाई कर दिए, इसीलिए छोटा एक कुल कितना में, तो कुल कितना में, तो कुल तीन में, तो एक बट्टा तीन। अब देखिए रूट थ्री बट्टा फोर से रूट थ्री बट्टा फोर कट गया। अच्छा तीन को रूट तीन गुना रूट तीन लिख सकते हैं, यानी दो बार है नहीं रूट तीन, या इसको कहिए रूट तीन गुना रूट तीन, तीन होता है, तीन से तीन कट गया। बच्चा चौबीस गुना चौबीस है, इधर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर चौबीस गुना चौबीस, तो ए का मतलब है कि चौबीस नहीं, मान लीजिए स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, चौबीस गुना चौबीस का वर्गमूल चौबीस, यानी छोटका का एक भुजा कितना है चौबीस है, छोटका का एक भुजा कितना है भैया चौबीस सेंटीमीटर है, और हमारा आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से ही समझ में आया होगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सवाल है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से उसकी तीन भुजाओं पर तीन लंब डाले गए हैं, है ना, किसी बिंदु से जिसकी लंबाई क्रमशः 14 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, सवाल क्या कहा है, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से, ये लीजिए इस समबाहु त्रिभुज है, ठीक, समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीन भुजाओं पर तीन लंब डाले गए जिसकी लंबाई क्रमशः 14 16 और 18 सेंटीमीटर है, 14 16 और 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। मान लीजिए कि एक जगह से डाला गया है तो ये 14 हो गया, अच्छा यहाँ पर लंब एक बिंदु से लंब डाला गया ये 14 हो गया, ये मान लीजिए कि 16 हो गया, और ये मान लीजिए कि 18 हो गया, ठीक है। अब कहता है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों आपको एक बात बताया था पिछली वीडियो में, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, कोई भी बिंदु से समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई भी बिंदु से अगर लंब आप डाल देते हैं ना, तो इस त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है ना दोस्तों, वो तीनों लंब के योग होता है, मतलब कि 14 प्लस 16 प्लस 18, मतलब तीनों कोई बिंदु से तीनों लंब खींचा गया, वो तीनों लंब का योग जो होता है ना, तीनों भुजा पर ही, तीन भुजा पर ही खींच सकते हैं, तीन लंब खींच सकते हैं, तीनों को जोड़ दीजिए 14 16 30 18 48, ये 48 सेंटीमीटर जो हुआ ना ऊंचाई हो गया। अब आप एक बात जानते हैं भुजा निकाल सकते हैं, क्योंकि ऊंचाई का फॉर्मूला होता है रूट थ्री बट्टा टू इंटू भुजा, भुजा ये ऊंचाई होता है, जबकि ऊंचाई है 48, तो ए का मान किया हो गया 48 दुना 96 और बट्टा रूट तीन। अब एक बात और करिए, देखिए सवाल ये कहता है, सवाल कहता है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है रूट थ्री बट्टा फोर गुना भुजा स्क्वायर, तो रूट थ्री बट्टा फोर हो गया, अब भुजा स्क्वायर का मतलब यही 96 बट्टा रूट तीन और फिर 96 बट्टा रूट तीन, यही ना इसका क्षेत्रफल कहा है, भुजा है 96 बट्टा रूट तीन, आप लिखेंगे रूट थ्री बट्टा फोर गुना भुजा स्क्वायर। अब दोस्तों अगर हम यहाँ चाहें और इसमें पूछता है क्षेत्रफल क्या होगा, तो रूट तीन से रूट तीन काट दीजिए, चार से चौबीस चौके 96 काट सकते हैं, अच्छा एक रूट तीन से ऊपर एक रूट तीन से नीचे गुना कर देंगे तो ये रूट तीन तीन हो गया, तीन से 24 को 8 बार में काट सकते हैं, तो 6 48 के 8 हासिल 4, 9 72 आ 4, 72 4 कितना 76, आ ये रूट तीन रह गया 768 रूट तीन, 768 रूट तीन वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो मुझे लगता है कि बड़ा आसानी से आपको समझ में आया होगा ये सारे मेंसुरेशन के सवाल, ठीक है ना। मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में, हाँ ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।